क्रैकर्स के अलावा भी आप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं विद स्वीट्स विद पूजा विद योर फैमिली. सो आई थिंक क्रैकर्स आर नॉट ओनली सोर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग दिवाली. In fact, it's one of the sources of pollution. So I think people should prevent from, you know, burning lot of crackers. I'm not saying it should be banned totally, but there should be a restriction on burning of crackers. There are already e-crackers on the websites and they are also burning. For example, when we are celebrating a birthday, there are e-crackers on our cake. Right. So we can celebrate Diwali in that fashion also. We can use air crackers, not mehtab and phuljadi types. Okay. Because they pollute more. इन्जॉय करेंगे बट मैं इस बार चाहता हूँ कि थोड़े क्रैकर्स के जो नंबर्स लास्ट ईयर जिस हिसाब से बढ़ गए थे पॉपुलेशन पॉल्यूशन जिस हिसाब से बढ़ गया था उसको कंट्रोल किया जाए. आप इन्जॉय करो आप क्रैकर्स जलाओ सारी चीज़ें करो बट देयर शुड बी इट्स लिमिट. आप कह रहे हो कि 3 दिनों के लिए दिल्ली ठप पड़ गई थी. बारिश का सीजन होता है तब कोई पटाखे नहीं फोड़ रहा होता है लेकिन पूरी दिल्ली ठप हो जाती है. मतलब कोई व्यवस्था नहीं होती है हर जगह. आप चाहिए थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है पूरी ठप हो जाती है. आए दिन आंदोलन होते हैं तब ठप हो जाती है. अरे हिंदुस्तान की पहचान है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है दिवाली. अगर उस दिन आप कह रहे हो कि ठप पड़ गई तो आप उसको मैनेज कर सकते हो क्योंकि उसे हम अपनी खुशी से कर रहे हैं. वो हम उस किसी को मतलब दबाव नहीं डाल रहे कि आप पटाखे फोड़िए ही फोड़िए. जिसको दिल अच्छा लगे आप कीजिए. हाँ मैं यही कहता हूँ किसी के साथ फालतू की बात मत कीजिए. किसी को परेशानी ना हो आपकी मतलब उस एक्टिविटी से वैसा काम कीजिए. बाकी आप अगर 365 दिन में 3 दिन अगर मैनेज नहीं कर सकते उस चीज़ को अरे भरी पड़ी है देश पूरा समस्याओं से. अरे इस त्यौहार को तो कम से कम मज़े से मनाइए. बाकी मैं किसी के व्यूज़ हैं अपने अपने मेरा व्यू ये है कि अपने संस्कृति को मतलब बनाए रखिए क्योंकि हम अगर ये सोचने लगेंगे कि नहीं ये हो रहा है वो हो रहा है तो ख़त्म हो जाएगी हमारी संस्कृति. इस बार भी पिछली बार की तरह दिवाली मेरे लिए बहुत खास है. मैं एक्चुअली करंटली 4 ईयर से इको फ्रेंडली दिवाली ही मना रहा हूँ. ओके. सो अपने संस्कृति के अनुसार वही दिए द बेस्ट यही कहता हूँ वही खास है हमारे. तो मतलब पटाखे नहीं फोड़ना. अरे नहीं यार अपना म्यूजिक सिस्टम बजाएंगे थोड़ा इन्जॉय करेंगे. तो मतलब पटाखे पिछली बार भी नहीं थे उससे पिछली बार भी नहीं थे बट उससे पिछली बार थे. तो मैं सेलिब्रेशन का बॉक्स लाऊंगा एक सबको बांटूंगा उनकी खुशी देखूंगा चेहरे पे बस. एज फार एज सोसाइटी इज कंसर्न डेफिनेटली वी शुड ट्राई टू हेल्प पुअर्स. वी शुड ट्राई टू यू नो इफ नॉट इन एन इन आवर हैंड्स वी कैन गिव सम गिफ्ट्स और सम स्मॉल थिंग्स दैट आर ऑल्सो ऑफ अ बिग कंट्रीब्यूशन टू दोज पीपल. सो आई थिंक या एंड सेलिब्रेट विद योर फ्रेंड्स विद योर फैमिली एंड रेस्ट्रेन फ्रॉम बर्निंग क्रैकर्स. दैट्स द मैसेज. बिल्कुल ये जो पटाखे हैं उसकी वजह से एक तो जो अस्थमा वाले हैं उनकी परेशानी बढ़ जाती है. हार्ट पेशेंट्स की परेशानी बढ़ जाती है और चिड़ियाँ बहुत मरती हैं रात को पटाखे फूटते हैं तो जानवर इधर उधर भागने लगते हैं. और मुझे लगता है कि खुशी को व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. इस देश में बहुत सारे त्यौहार हैं जो बिना पटाखों के मनाए जाते हैं. लोग आपस में एक दूसरे के घर जाते हैं नए कपड़े पहनते हैं मिलते जुलते हैं तो उस तरीके से मनाना चाहिए. खुशी में कमी नहीं आनी चाहिए आनंद मनाने में कमी नहीं आनी चाहिए. लेकिन पटाखे मुझे लगता है कि जैसे अपने पैसों को खुद ही आग लगा रहे हैं हम लोग और कई कई हज़ार रुपया इस पर खर्च होता है. तो मैंने बहुत सालों से पटाखे वाली दिवाली बंद कर दी है. मेरी 2 बेटियाँ हैं वो भी बिल्कुल ज़िद नहीं करती हैं ना वो हम लोग पटाखे मनाते हैं. क्रैकर्स का तो फिलहाल कोई बजट नहीं है और पॉल्यूशन फ्री करनी है दिल्ली. नो क्रैकर्स ऑन दिस दिवाली.